हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको आइडेंटिटीज का यूज करना सिखाया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में एनसीईआरटी क्वेश्चन लिया है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। इसमें सबसे पहले वी टेक हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन फ्रॉम न्यूमिरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। सो वी स्टार्ट विद एलएफएस साइन थीटा कॉमन, यहां बचेगा 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। रिमेंबर जब यहां से कॉस थीटा कॉमन जाएगा तो यहां 1 रहेगा, 0 नहीं रहेगा। कॉस थीटा जाने के बाद 1 रहेगा। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इतना याद रख लो, इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 की जगह हम आइडेंटिटी प्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड क्वेश्चन में टर्मिनेट। जैसे इसी की कंटिन्यूशन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया 10 थीटा। इस 1 की जगह लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब क्योंकि 1 के पहले माइनस है इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा विद माइनस साइन एंड कॉस स्क्वायर थीटा विद माइनस साइन। अब इनको नेट ऑफ करेंगे तो पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी लाइक दिस। 10 थीटा, यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अकेला है, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 टाइम प्लस 2 टाइम माइनस, तो नेट एक बार बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार फिर भी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये टर्म एज इट इज। अब इसमें ये काम नहीं करना कि इसका इससे कैंसिलेशन और इसका इससे कैंसिलेशन, पुट इट इन द ब्रैकेट लाइक दिस एंड कैंसिल द होल ब्रैकेट विद द होल ब्रैकेट, वी गेट 10 थीटा विच इज इक्वल टू RHS, हेंस द रिजल्ट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8, ये प्रूव करना है। क्लियरली ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा एंड देन क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेगा। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इट मीन्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर अगेन एक्सटेंशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। फर्स्ट स्टेप, दोनों को ब्रैकेट को ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके। नेक्स्ट, यू नो इट वेरी वेल, कॉस थीटा एंड सेक थीटा दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दैट इज अगर ये एक्स है तो ये 1/x है। लाइकवाइज ये और ये इनवर्स है, अगर ये एक्स है तो ये 1/x है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल कैंसिल दिस, सामने रीजनिंग देके आई विल राइट 2 ओनली। नेक्स्ट स्टेप साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये टर्म यूज कर ली और कॉस स्क्वायर थीटा, पुट इट इन 1 ब्रैकेट प्लस यूज दिस टर्म 2, ये यूज हो गया, यूज दिस टर्म प्लस 2। नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर sec square theta and cosec square theta, और सामने रीजन जरूर दे देना इसके अंदर, बिकॉज हमने इस टर्म को 2 लिखा है तो रीजन जरूर आएगा सामने, बिकॉज sin theta into cosec theta is equal to 1 and sec theta into cos theta also equals to 1, सामने रीजनिंग जरूर आनी चाहिए। नेक्स्ट इसकी जगह भी 1 हो जाएगा, 1 2 2, द रिजल्ट इज 5 प्लस
sec square theta plus cosec square theta. Now if we look it carefully, हमें रिजल्ट चाहिए tan square theta. तो second identity sec square को tan square से connect करती है. Third identity cosec square को cot square से connect करती है. तो again we will have to use two identities. So it will be 5 plus sec square theta can be written as 1 plus tan square theta. Identity 2 से cosec square theta can be written as 1 plus cot square theta. So if we combine 5, 1 and 1, it will become 7. 7 plus tan square theta plus cot square theta is equal to RHS, hence proved. We take another question of NCERT. It is question number 5, part number 2. Prove that this is equal to this. Obviously, there is no square. Nahi hai. Direct identity use nahi ho sakti. Koi direct or change bhi nahi kar sakte. So we can simply take LCM. So LCM se start kiya jayega. So we take LHS and its LCM. LCM mein ye aur ye dono distinct term hai. Dono likhi jayengi. It will be 1 plus sin theta and cos theta dono likhi jayengi. As I already told you, कि जब ये दोनों डिस्टिंक्ट टर्म हो तो हमेशा पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दो, लाइक cos थीटा इनटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, साइन सेम चलने दो प्लस और माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर. तो इट इज फर्स्ट स्टेप बाय टेकिंग एलसीएम. अभी भी कोई एंटी डायरेक्ट नहीं लग रही, बट वी कैन एक्सपेंड इट ए प्लस बी द होल स्क्वायर. तो नेक्स्ट स्टेप में इसका एक्सपेंशन, कॉस पर थीटा एज इट इज, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन पर थीटा प्लस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा. डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर में रहेंगे एज इट इज. नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पुट देम इन वन ब्रैकेट सो दैट आइडेंटिटी से वो वन बन जाए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2, और ये टर्म एज इट इज 2 साइन थीटा. डिनोमिनेटर को अभी भी चेंज नहीं करना, 1 प्लस साइन थीटा फर्स्ट ब्रैकेट, कॉस थीटा सेकेंड ब्रैकेट, और सामने रीजन जरूर लिख देना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. रीजन भी हमने 1 की जगह 2 किया है, तो वी हैव यूज्ड द आइडेंटिटी, सामने रीजन जरूर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक 2 एज कॉमन, और रिमेनिंग बचेगा अंदर 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा सेम, 1 प्लस साइन थीटा सेम. तो पूरी ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल करनी है लाइक दिस, ऐसे हमारे पास आकर 2 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, इन्वर्ट हो गए क्योंकि इसका उल्टा सेक थीटा है, तो इट विल बिकम 2 सेक थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस द रिजल्ट.